मामा ने मुझे कहा था कि अपनी सारी पैकिंग कर लो। मक्खियाँ किसे बैठती हैं फूलों पे ना? किसी काटना होता अच्छा उधर सफाइयाँ और इधर नहीं ये मैं ला रही हूँ जो पैकिंग मैं आज कर रही हूँ ना इट्स सो अजीब सी। दिस इज माई फेवरेट पिक्चर जो मैंने रखी हुई है, मतलब इस घर के साथ बहुत मेमोरीज जुड़ी है मेरी। Welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. दिन हमारा बड़ा सा beautiful सा शुरू हो चुका है। आप लोगों को पीछे शाम दिख रही होगी, बिल्कुल शाम है, लेकिन मैं अभी सोकर उठी हूँ, लेट लतीफ हूँ, डांट खाने की आदी हूँ, बिल्कुल कुछ आता नहीं है मुझे, फिर भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये मोहतरमा सुबह सुबह उठ के दिमाग आज के दिन हमारा किस तरह से गुजरेगा, क्या सीन पार्ट होता है, ये सब आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल आप सोचोगे मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ। तो भाई इस कमरे में मैं जो है वो अपनी कुछ चीजें लेने के लिए आई थी, क्योंकि मामा ने मुझे कहा था कि अपनी सारी पैकिंग कर लो, जो तुमने अपने घर में सामान वगैरह सारा शिफ्ट करना है। तो मुझे यहाँ से कुछ चीजें वगैरह चाहिए। आधे सूट केसेस हमारे वो देख रहे हैं आप, वो ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है जी, आप शिफ्ट होने लगी है। तो उसके हवाले से मैं अभी से कुछ चीजें जो है ना वो साइड कर रही हूँ, ताकि जब मेरी मम्मा मुझसे पूछे तो मुझे पता हो कि यार ये चीजें। बाकी मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या क्या सामान है जो मुझे पैक करना है। तो जी मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे आज सोफा साफ नहीं है, आज एक और बहुत बड़ा कूड़े का ढेर इधर बैठा हुआ है, बिल्कुल ब्लू कलर का, बिल्कुल ब्लू कलर बैठा हुआ। ये फूलों का बुके है, ये मक्खियों का छत्ता है। मक्खियाँ किस पे बैठती हैं? जो इसकी वाली मक्खी जो मीठा ये वाली मक्खियाँ किस पे बैठती हैं? फूलों पे ना, जिसको काटना होता है। बाबा जी शहद की मक्खियाँ फूलों में नहीं बैठती, फूल थोड़ा हाँ। मैं फूलों में बैठती हूँ। फूल क्या मम्मी नाश्ता नाश्ता दे दे नहीं आज बोल जो नाश्ता बोल जो डिनर खाओ। क्यों मतलब मम्मा अभी सिर्फ 5 बजे लंच का टाइम है, मम्मा यार नाश्ता स्किप हो गया, जो लेट आएगा नाश्ता कोई नाश्ता नहीं। यार दही दे दो यार खाली, आज दही भी नहीं मिलेगी, खत्म हो गई। मम्मा ना करें, मैं झूठ बोलूं तो नहीं, दही भी खत्म है, आज कोई नाश्ता नहीं है, सोच ले मम्मा ऐसे ना करें। मम्मा ने मुझे ना दही का ना ऊपर से दही की रेसिपी दिखानी है तो दिखा सकती। नहीं मैंने नहीं रेसिपी, सबको पता दही कैसे बनता है। अब गाइस मैं करूंगी नाश्ता, देखती हैं कि क्या नाश्ता वाश्ता हमको मिलता है। सरप्राइज क्या अब क्या है, खाना है कि नहीं बताएं क्या है? मूली का पराठा वो खा लूंगी, आलू और मूली के पराठे मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, लेकिन आलू मेरा ज्यादा फेवरेट है। खा पी के बैठ चुके हैं, सबने खा लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तेरे लिए मैंने मटेरियल इतना सा रखा हुआ है, किराए को देना है। चले आज मूली का पराठा, मुझे प्यार है ऊपर ऊपर से करती रहती हूँ। पता है बेटी जुदा होने वाली, इतना सा मेरी मम्मा ने मेरे लिए संभाल के चले। मेरी शादी भी हो जाएगी ना, फिर भी मैं आपको फोन करूंगी, मम्मी नाश्ता आप बस इतनी सी रेसिपी मुझे भेज देना, ठीक है बना। और ये असल पतले होने की रेसिपी है मेरी मम्मा की, एंड इट्स ब्लैक कॉफी। सो गाइज मेरा गर्मा गर्म मजे का नाश्ता और पराठा आ चुका है, इतनी देर बाद आज दही के बगैर सिर्फ पराठा खाने को मिलेगा। तो जी गाइज मेरा हो चुका था नाश्ता, और मैंने बड़े मजे से नाश्ता वाश्ता कर लिया। ये दोनों टायर घूमते नहीं, तेरे टायर घूमते पता नहीं क्या। तुम लोग किधर जा रही हो तैयार होके? बर्थडे बर्थडे पे जा रहे हैं, मेरा बर्थडे है। और ये दोनों मेड में तैयार होती हैं, कोई ये आउटफिट पहनता है कोई वो आउटफिट पहनता है। तैयार होता तो हमसे कौन सा लगे? ज़ैनब और रबिया और रबिया। मैंने अंदर तेरे सारे फैंसी कपड़े निकाले, आ जा जल्दी आ जल्दी। ये मेरी अम्मा ने ना कुछ अपने कपड़े बचा के रखे हैं गाइस, जो अम्मियां इकट्ठे नहीं करके शुरू से अपनी बेटी के लिए इकट्ठे कर करके छोटे छोटे कपड़े रखती है ना अपनी। अच्छे वाले अच्छे ही है मम्मा, अच्छे ही है वो, बिल्कुल जो न्यू जो बड़े महंगे महंगे कपड़े होते हैं वो, जो मैं किसी को पहनने नहीं देती थी कि इकरा को ही देने हैं। हाँ तो वो मैं सिर्फ दुल्हने पहनती हैं। या अल्लाह मम्मा यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो सारे दुपट्टे फिर तो नहीं डाबे फेंगे मम्मा, ये किसके दुपट्टे हैं? यार मेरी मम्मा ने दुपट्टों की निंजा टेक्निक देखी क्या लगाई हुई है, सारे दुपट्टों को गिरा बांध के
एक पैकेट में आप ऐसे फेंक रही हैं जैसे वो ना वो क्या कहते हैं उसको, जूते नहीं होते पुराने रंग बिरंगे, या वो नहीं 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 जैसे स्वेटर नहीं बनते थे वो वाले धागे होते थे रंग बिरंगे, वो रंग बिरंगे धागे सारे फोल्ड कर करके डब्बे के पूरा थान, या अल्लाह कपड़ा वो है जो पहले चलता था, देखो अब भी वही कपड़े का फैशन आ गया, इस पे इसके ऊपर तुम काम करवा सकते हो, इसके ट्राउजर पे इतना इतना और इसकी शर्ट पे, और ये कहना कि ये मेरी अम्मी के जेस का अम्मी के जेस का सादा सूट था गाइस, उस पे काम मैंने नया करवाया, ठीक है लेना है तो बताओ, नहीं तो दूसरी बेटी को दूंगी, चांस है मेरे, मम्मा दे दो, दूसरी बेटी का कोई चांस नहीं है, ये वो बेटी है जो कह रही है ओके। सो गाइस हम लोगों ने कुछ कपड़े शपड़े निकाले जो मेरी मम्मा ने रखे हुए थे, वो सारे कपड़े जो है ना वो मेरे पोर्शन में भिजवा दिए मम्मा ने, ऊपर के ऊपर जाकर उसको पैक करो, और अब यहाँ पे क्या चीजें निकाल रही है मम्मा, अब यहाँ पे दो बेडशीटें लेके आई थी, एक मैं घर के लिए लाई थी, एक तेरे लिए लाई थी, क्या मतलब दिखानी, दिखाए ये लाई है मेरे लिए, ये मेरी है, और ये तुझे ये लाइलक कलर पसंद था ना, हाँ ठीक है, तो ये देखें कितना प्यारा कलर है लाइलक ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इसमें उस तरह का लाइलक नहीं आ रहा मम्मा, मेरी बात सुने यार, ये किसके लिए लाई है, कौन सी ये वाली, ये घर के लिए, चलो ठीक है, ये भी मुझे चाहिए और वो भी मुझे चाहिए, मेरे दोनों ही चाहिए, ओए एक एक लाइन तुझे फिर और डिजाइन की ले दूंगी, नहीं मम्मा ये देखो यार ये इतनी सिंपल मुझे ला दिया, एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा सिर्फ कलर में फर्क है, ये देखो एक ही स्टाइल है, ये देखो पता है ना, लेकिन मुझे दोनों चाहिए फिर, नहीं 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 एक मम्मा दो यार, क्या तरीका हुआ यार दे दो कितनी चलाक हो, कितनी मतलब ही मम्मी, शादी करने लगो तो बेटियां कहती ये भी लेना ये भी लेना, सारा कुछ लेना है, हाँ ये भी दे दो ना, ये ठीक है, नहीं देना नहीं देना, तीन दो नहीं देना नहीं देना, ओके मत दे, ओके थैंक यू, नहीं मैंने नहीं अब नहीं, मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं लेना, ले लो तुम दोनों ही ले लो, मैं नहीं ले आऊंगी, कमेंट करें कि कौन कौन सी बेटियां करती हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं तो करती थी वैसे अपना, करती है ना तो बस फिर मुकाफ़त अमल है जिंदगी में, ऐसे ही होएगा, क्या कह रही है, सामान वाधू मिलेगा, बस तुम इतने इस काबिल हो जाओ कि सारा कुछ समेट सको विदाउट मेरे, ठीक है समेटने वाली बनो, फिर तुम्हें क्या क्या सारे काम करने पड़ेंगे, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, बेड शीट है कुछ 20-25 दे दो, 20-25 नहीं थोड़ी, लेकिन उसका हल भी है, मैंने देखना भी है कैसे, अगर गंद मारा हुआ तो सारी उठा लूंगी, मेरा कहना है मैं पागल थोड़ी गंद में बैठू, देख लेंगे देख लू मैं आपको, मैं इधर से ब्लॉग बनाते जाना और चुपके से बना के ले आना और लोगों को दिखा देना, तुम्हें पता भी नहीं होना, बिना फोन किए जाना है हमने अचानक, तो जाके सारा कुछ रिकॉर्ड, शर्त लगी डन, रिकॉर्डिंग हो जाती है बच्चू, देख ले डन 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 मेरी तरफ से डन, छापा मार लेना कोई मसला नहीं है, दो लोग हैं हम क्या ही रश डालेंगे, मैं कर रही थी अच्छा उधर सफाइयां और इधर नहीं, ये मैं जा रही थी, मेरी अम्मा मुझे हर जगह से गर्दन पे बाकी चीजें भिजवा दी ऊपर, चले ठीक है मैं बाकी सामान गाइस पैक करूँ, आज सुबह से बस यही काम हो रहा है, सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, ये मेरा कमरा बेचारा, कुछ कपड़े यहाँ रखवा दिए अम्मा ने, कुछ यहाँ रखवा दिए कुछ यहाँ, एंड आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इमोशनल, मतलब हर लड़की की जिंदगी में ये फेज आता है, लाइक मुझे एक एक चीज समझ नहीं आ रही है, और आई कैंट जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, मैंने ना इतनी सारी पैकिंग की, लाइक हम ट्रिप्स पे जाते हैं, हम अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन जो पैकिंग मैं आज कर रही हूँ ना, इट्स सो अजीब सी कि एक घर जिसमें आप सारी जिंदगी रहे हो, एंड सारी जिंदगी आप उस घर में रहते हो, उन घर वालों के साथ रहते हो, और एक टाइम होता है यू जस्ट नीड टू पैक एवरीथिंग एंड गो अवे, कंट्रोल नहीं हो रहा कंट्रोल नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू क्राई बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कि सारी जिंदगी आप एक घर पे रहते हो, आप वहां पे मेमोरीज बनाते हो, लेकिन एक दिन आपको सारे सामान समेत वहां से निकल जाना है, अपनी चीजें आप पैक करते हो और वो छोड़ देते हो, और मुझे लगता है कि ये इमोशन सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं, लड़के उस वक्त समझते हैं जब वो अपनी बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं, शायद उससे पहले वो कभी, क्योंकि वो कभी इस चीज से गुजरे हुए नहीं होते, ना उन्होंने कभी अपना घर छोड़ा होता है, ना कभी उन्होंने अपने फैमिली वालों जिनके साथ सब सारी जिंदगी साथ रहे होते हैं उनको छोड़ा होता है, बट
लड़कियों के लिए बहुत इमोशनल चीज़ है, एक एक कोना साफ करना, एक एक चीज़ें। अभी तो खैर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब दिस इज माई फेवरेट पिक्चर जो मैंने रखी हुई है अपने पास, और ये चीज़ें सब मैंने, मेरी बुक्स, मेरी सारी चीज़ें। और एक चीज़ मुझे अभी भी याद है, जब ये घर बन रहा था ना, मतलब इस घर के साथ बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं मेरी। और जब ये घर बन रहा था ना, तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, मैं जब बहुत छोटी भी थी ना, तो मैं, मेरा बिस्तर अलग होता था, मेरा ब्लैंकेट अलग होता था, मेरी हर चीज़ अलग होती थी। मुझे आदत नहीं है कि मैं, मेरी चीज़ों में कोई घुसे, मेरे शूज़ हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरी चीज़ें हैं, मेरी ज्वेलरी है, वो मेरे तक है, मेरी बहनों को चाहिए होती, उनसे लेके चली जाती हैं, देन होता है मुझे कि मैं ध्यान से रखूं। ऐसे जब ये घर बन रहा था, मैंने डैडी को बोला मुझे अलग कमरा चाहिए, मैंने नहीं किसी के साथ रहना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रहने की, मैं नहीं रहती। तो अब पता नहीं आगे लाइफ कैसी चलेगी। पापा ने फिर बोला हाँ तुम्हारे लिए अलग कमरा बनेगा। तो मैंने इस कमरे की एक एक चीज, एक एक चीज खुद ड्रॉ की, खुद डिजाइन की, खुद डिसाइड की। या वार्डरोब देख रहे हो, ये सबसे छोटी है इस घर में। और जब ये घर बन रहा था ना, मैं देखने आई थी, मैं इतना रोई घर जाके कि मम्मा पापा ने मेरी वार्डरोब सबसे छोटी बनाई है, मुझे बड़ी वार्डरोब चाहिए थी, मेरा मुझे इस तरह से चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, मेरा कमरा अलग है, इट्स मीन कि आपने मुझे छोटा सा कॉर्नर दे दिया। देन हीरा लोगों का वॉशरूम जो था ना, वो मतलब हीरा लोगों का कमरा इससे भी बड़ा था, तो पापा ने उनका कमरा आधा करवा दिया था। लाइक ये इसकी स्पेस निकल आई थी, वरना ये जगह भी नहीं बन रही थी, मुझे था कि इतनी सी भी नहीं बन रही थी। तो ये सारा हुआ, पापा कहते कोई बात नहीं, तुम और इस तरह नहीं बनवाओ, तुम मत, वो कमरा होगा अलग। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो उन्होंने वो कम करके, मैंने इस कमरे की एक एक चीज को खुद डिजाइन किया, खुद ड्रॉ किया। So guys, now it's time to pack. तो ये है मेरा सूटकेस, प्यारा पिंक, क्यूट पिंक है, इसको हम लेकर जाएंगे अपने कमरे में। तो जी गाइज, यहाँ पे जो है ना, वो पैकिंग शैकिंग हो गई है, काफी सारे कपड़े हैं। मम्मी 100 जोड़े कहा था यार, 50 हो गए, 50 रह गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस बैग में गाइज 50 नहीं, टोटल मैं गिनती हूँ कि मेरे टोटल, ये ड्रेसेस आपको जब मैं अपने वहाँ पे अलमारियों में शिफ्ट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी सारे कपड़े हैं, टोटल 20 जोड़े हैं और ये भर चुके हैं और अभी मेरे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं। गाइज मेरी मम्मा थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं यहाँ पे, साथ साथ मेरे कपड़े तय कर रही हैं। आपको क्या हुआ मम्मा, झूठ क्यों बोल रही हैं, कुछ तो हुआ है, रख लूँ वापिस दे दूंगी। फातिमा की तरफ से मुझे मिल रहा है ये वाला ड्रेस जो फातिमा ने 50 दफा पहना हुआ है। गाइस ये जोड़ा इसने आज से कोई से मेला भी हुआ, ये मैंने नहीं लेना, ये तो वैसे पुराने निकाले हैं मम्मा ने कुछ कपड़े। यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है, वहां तक हमारा बैग पहुंच चुका है, वो देखें वो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, हल्की आर्ट पे कम्प्लीट हुई है और अम्मा यहाँ इमोशनल होके बैठी हुई है। क्या हुआ मॉम, मॉम ओ माई गॉड गाइज, मेरी अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई हैं और बिल्कुल चुप हो गई हैं क्योंकि वो थोड़ी सी इमोशनल हुई हुई हैं। तो हम उनको तंग नहीं करेंगे ज्यादा देर, ठीक है, हम उनको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाय अल्लाह मम्मा, मैंने यहाँ पे सारी चीजें पैक करके रखी हैं, ये मोहतरमा खोली जा रही है, चेकिंग कर रही है क्या क्या इकरा लेके जा रही है। फातिमा बजाय ये सोच, इतना प्यारा है तो मैं माइयों पे पहन सकती हूँ। यहाँ पे बस मेरे कपड़ों का वो हुआ हुआ है और ये लोग अब बिखेर के तय करने का ऐसे कर रही है। हमारे लिए भी छोड़ दो सारे तो कपड़े, मम्मा आपने उसको ही खुआ, शादी उसकी है कि तेरी है, तेरी शादी किससे भी ज्यादा प्यारा है, मेहंदी टाइप है यार। ये मैंने नया ड्रेस बनवाया था, ये बड़ा प्यारा ड्रेस है मेरा। चलो चलो अब समेटो, ये जिस तरह तय हुआ हुआ था ना फातिमा, उस तरह तय करके रखो, तय होता है, तय कर दो फातिमा, तय फातिमा, तय कर दो वैसे दुपट्टा व्हाइट, फातिमा मैंने इतनी मुश्किल से तय किए सारे काम किए जा रहे हैं, व्हाइट ड्रेस लो उसके साथ ये, और फिर गाना लगाओ, खुद से मिल जाओ, पुरानी दिल्ली ले लो, प्यारी सी लड़की कही है वही
कितनी तुम पापा था कमला था। ये निकाह का दुपट्टा भी जाहिर है फातिमा मैंने अपने साथ ही लेके जाना, मैं तो देखने जाएगी। हाँ। तो फातिमा इसमें तुम भी निकाह का। ये मम्मी है सर अपनी ये बेडशीट से बैठ लूं यार, इसको भी पैक करना। यार ये कितनी प्यारी है, महंगी इस तरह की अब मिलती नहीं है, इस तरह की वाकई नहीं मिलती है ना, कितनी प्यारी है, सिल्क की है प्योर। ये देखें फातिमा की सजेशंस ये हैं कि ये वाला ये दुपट्टा बहुत ज्यादा प्यारा था, इसको पिंक की जगह निकाह पे ये लेना चाहिए। हाँ ये भी बहुत प्यारा था, निकाह का दुपट्टा उस टाइम भैया व्हाइट था, इसकी शक्ल भी दिखनी थी। देखिए ना मेरे को चीजें मम्मा ने जो चीजें बनाई हुई है ना वो चीज सबसे अच्छी होती है। ये देखिए मेरी बहन बेचारी, आपको क्या याद करोगे, मेरी बहन ने मेरी सारी वो बरी तैयार, बरी कहते हैं बरी, हाँ बरी होती समथिंग लाइक दैट, बट मैं हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी इस टाइम। हाँ तो करो सारे कपड़े तैयार करो जो भी खेरे, और अगर मैं तुम्हारे घर कपड़े लेने आई और तुमने मुझे मना किया तो मैं मना कर सकती हूँ, तुम्हें मैं मना कर सकती कर लूंगी। गाइज ये हमारी सबसे 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 मैंने आपको बता दिया ना कि हमारी वो सबसे कीमती गिफ्ट है, ये मेरी नानो के पास था और नानो ने दिया था मम्मी को, मम्मी ने दिया मुझको, और मैं दूंगी किसी और को और वो देगी किसी और को। तो उसे बिछा के इसकी रीत पूरी करते ना भाई, मैं तो बिछाऊंगी तब तक तो गल फट जाएगी। मम्मा की शादी को ठीक 25 साल हो चुके हैं, और ये 25 सालों में जो है ना ये जो बेडशीट है ये बिल्कुल इफेक्टलेस है, मतलब खुद तय कर लो प्लीज, बड़ी तुम बदतमीज हो, कर लेती हूँ। पैसों पे हायर किया हुआ है इधर तय करने के लिए, जो बहनें होती हैं वो फ्री की ब्राइड मेड होती हैं, ठीक है ना। मुझे साजन के घर जाना, मां साजन के घर ही खड़ी हुई है। और कौन सा साजन के पास जा रहा है, मैं अपने लिए नहीं गा रही, मम्मा मेरे लिए गा रही हैं, मम्मा मुझे कह रही हैं इकरा ने जाना है, नहीं नहीं साजन साजन तेरी दुल्हन। सो गाइज कुछ कपड़े शपड़े मैंने पैक कर लिए हैं, बहुत थक गई हूँ, बाकी की चीजें यहाँ पे कुछ चीजें जो है मैंने रखी हुई हैं, पैक 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 पैक, ये सारी मेरी अलमारी टोटली पैक है, बस अब इसकी शिफ्टिंग होनी है। एंड आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इमोशनल भी थी, बट स्टार्ट हो चुका है काम, साथ साथ चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ें कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।